हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस। फ्रेंड्स, यूपी टेट एग्ज़ाम 2018 को लेकर जो 14 प्रश्नों की याचिका दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो आज मॉर्निंग में यानी 19 दिसंबर आज मॉर्निंग में उसकी सुनवाई होनी थी और उस पर सुनवाई भी हुई है। तो लंच से पहले क्या सुनवाई हुई है वही इस वीडियो हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करना और उसके साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसको ज़रूर क्लिक करना वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलेगी आपको यूपी टेट एग्ज़ाम से संबंधित जो याचिका डाली गई है उसकी सभी लेटेस्ट अपडेट। तो अभी लंच से पहले यूपी टेट की सुनवाई हुई थी, उसमें अब लंच हो गया है और उसके बाद में जज का ऑर्डर होगा और उसके बाद में इसकी सुनवाई की जाएगी। तो अभी भी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, लंच के बाद में इसका परिणाम आएगा, क्योंकि 20 दिसंबर को सहायक शिक्षक भर्ती की लास्ट डेट है, उसमें भी इनको मौका मिलना चाहिए। तो अभी इस पर पूरी सुनवाई नहीं हो पाई है, तो लंच के बाद में इस पर सुनवाई होगी। तो फ्रेंड्स, यही अपडेट था लंच से पहले का। अभी तक सुनवाई चल रही थी, उसमें अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और अब लंच के बाद में इसका ऑर्डर किया जाएगा और उसके बाद में इसकी सुनवाई की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आगे की अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको यूपी टेट एग्ज़ाम से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज़। तो लंच से पहले अभी ये सुनवाई चल रही थी, उसके बीच में ही लंच हो गया है और उसके बाद में ऑर्डर होगा, तब इस केस की सुनवाई की जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।